Hello everyone and welcome to Dune Officers Academy. For those students who are preparing for NDA examination, उसके लिए हम करवा रहे वोकैबुलरी इथेमोलॉजी, राइट? कोई भी एक वोकैबुलरी है, कोई भी एक वर्ड है, किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट? कभी भी आपको NDA में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कोई वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ है, बट रादर वर्ड का मीनिंग क्या है या फिर उसका एंटोनिम हो गया या सिनोनिम हो गया वो पूछा जाएगा. पर ये पढ़ना क्यों ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि वंस यू नो द रूट वर्ड का मतलब क्या है और उससे बनने वाले जो आपके वर्ड हैं वो आपको पता चल जाएंगे, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट? रादर देन आप बहुत सारे वर्ड जो हैं उनको आप याद करो, तो उससे बेहतर ये है कि आपको रूट वर्ड का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए. अगर उससे जो भी वर्ड बने हैं तो आपके लिए बहुत ईजी होता है उसका मतलब निकालना. बस आपको क्या पता होना चाहिए, रूट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए. इससे पहले हम ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुके हैं इसके ऊपर, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं, सो दैट यू विल एटलीस्ट गेट एन आइडिया कि किस तरीके से आपका रूट वर्ड जो है लैटिन ओरिजिन है, ग्रीक ओरिजिन है, क्या मतलब है उसका, और उससे जो मिले हुए बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या होता है. तो आज जो हम पहला वर्ड करने वाले हैं दैट इज ऑर्थो. ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा ऑर्थो. ऑर्थो का मतलब क्या होता है? पहले के टाइम पे ऑर्थो का मतलब होता था स्ट्रेट. ठीक है, ऑर्थो का बेसिकली मतलब होता है स्ट्रेट, है ना? और एक वर्ड है इसका दैट इज ऑर्थोपेडिक, है ना? ऑर्थोपेडिक. ऑर्थो का मतलब क्या हुआ? ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट. ठीक है, पहले के टाइम पे या फिर जब यू नो लैटिन या ग्रीक टाइम की जब हम बात करें, जब वो आपके जब बेसिकली ऑलमोस्ट आप कोई भी वर्ड देखोगे उसका लैटिन ओरिजिन या ग्रीक ओरिजिन होता है. इनफैक्ट कई बार आप इंग्लिश के भी कुछ वर्ड बोलते हो जिसका संस्कृत से ओरिजिन है. तो हमें फोकस किस पे करना है कि कोई चीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ है. अब वंस यू नो द ओरिजिन ऑफ दैट, सिमिलरली जब आपने एडियम्स एंड फ्रेजेस भी हम जब करा रहे थे तो एडियम और फ्रेजेस में भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे एडियम या फ्रेज जो है वो कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद ही ओरिजिनेट हुए हैं या कुछ पहले के टाइम पे कोई बात हुई थी और उसके बेसिस पे वो चीज ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुई है. तो वंस यू नो द बैकड्रॉप या फिर आपको उसके बैक स्टोरी पता है तो आपको वो चीज याद करने की जरूरत नहीं होती है, राइट? क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली होता है अच्छा ये चीज हुई इसलिए आपका जो एज अ रिजल्ट ये आपका एडियम ओरिजिनेट हुआ. सिमिलरली वर्ड में भी ऑर्थो जो वर्ड है आपका उसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रेट, सीधी कोई भी चीज. नाउ ऑर्थोपेडिक, देर इज अ वर्ड पेडोस करके एक वर्ड होता है, उसी से वर्ड आपका क्या बना है? पेडिक. ठीक है, और पेडोस का मतलब होता था चाइल्ड. ठीक है, पहले के टाइम पे पेडोस का जो मतलब होता था उसका मतलब क्या होता था? चाइल्ड, राइट? अब इन दो वर्ड को अगर हम मिला ले तो ऐसे ऑर्थोपेडिक कौन होता है? हु स्ट्रेटन्स अ चाइल्ड. नाउ लिटरल मीनिंग अगर हम इसके उसमें जाते हैं तो शायद आपको इसका करेक्ट मतलब नहीं समझ में आएगा, पर अगर इफ यू विल पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो आपके बच्चे हैं उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड थी, रीढ़ की जो हड्डी थी पहले के टाइम पे, तो दैट वाज अ मेजर कंसर्न, क्योंकि वो क्या थी? इस तरीके से झुकी हुई थी, है ना? मतलब एक कर्व फॉर्म करती थी रेदर देन स्ट्रेटनिंग इट. तो पहले के टाइम पे मेन कंसर्न होता था कि बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, राइट? आप कुछ भी काम करते हो आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? बैक पे, राइट? इफ यू आर समवन हु सिट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना, अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हो या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको चेयर में बहुत देर तक बैठे रहना पड़ता है तो आपकी स्पाइन इफेक्ट करती है. सिमिलरली आजकल बहुत जब आप फोन यूज करते हो तो हमेशा आप इस तरीके से आपका सर झुका रहता है, दैट ऑल्सो इफेक्ट योर स्पाइन, है ना? तो पहले के टाइम पे मेन कंसर्न ये रहता था कि जो बच्चा है उसकी जो रीढ़ की हड्डी वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, तो इसीलिए उनको बोला जाता था ऑर्थोपेडिक. मतलब ऐसे कोई भी डॉक्टर या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो बच्चों के क्या करे, हु स्ट्रेटन्स द स्पाइन ऑफ अ चाइल्ड. तो मतलब बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है, जो बच्चों के बच्चों के इलाज के लिए जो डॉक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक. किसी भी वर्ड के पीछे पेडिक लग जाए, जैसे पेडियाट्रिशियन होता है,
पेडियाट्रिशियन क्या करता है, वो बच्चों के जो भी डिजीज है उसको देखता है। सो ऑर्थोपेडिक का मतलब भी क्या हुआ, हु स्ट्रेटन्स द चाइल्ड, ठीक है, या फिर जो बच्चों के इलाज के लिए जो जो बच्चे के इलाज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर वर्ड रिलेटेड टू ऑर्थो, और वो कौन सा है, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ठीक है। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है, ठीक है, ऑर्थो का मतलब तो हमें पता चल गया, ऑर्थो मीन्स व्हाट, ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट, ठीक है, तो ऑर्थो का मतलब हो गया स्ट्रेट। अब जब यहाँ पे एक वर्ड आता है डोंट, तो या डोंटिस्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू टीथ, है ना। आप कभी भी जब आपके, अगर जिन लोगों के ब्रेसेस हैं, तो ब्रेसेस का मेन रीजन क्या है कि आपके दांत जो है वो अलाइन हो पाए, है ना। तो ये जो भी चीजें आपके मोलर्स हो गया, प्रीमोलर्स हो गए, इन सब से रिलेटेड जो भी आपको देखता है डॉक्टर, तो वो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थोडोंटिस्ट, मतलब जो आपके दांत के जो भी रिलेटेड चीजें हैं उसको जो ठीक कर रहा है, फॉर दैट वी यूज अ वर्ड ऑर्थोडोंटिस्ट। डोंट इज बेसिकली रिलेटेड टू टीथ, ठीक है। नाउ यू नो द वर्ड ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब क्या हो गया स्ट्रेट, डोंट किससे रिलेटेड है, टीथ से। तो अगर ऐसा कोई भी वर्ड आता है जिसमें ये दो में से कोई भी वर्ड है, आप इजीली उसका मतलब निकाल सकते हो। इसीलिए किसी भी चीज का ऑरिजिन कैसे हुआ है, एथिमोलॉजी क्या है, वो जानना आपके लिए जरूरी होता है, राइट। सो ऑर्थोडोंटिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, आपके ब्रेसेस हो गए या फिर आपके दांत की अलाइनमेंट हो गई, वो जो डॉक्टर देखता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट, क्लियर। नेक्स्ट जो हम आज रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं दैट इज कार्डियो, ठीक है। अब कार्डियो बहुत सारे लोगों को पता होता है, कार्डियो, कार्डियो किससे रिलेटेड है, कार्डियो इज बेसिकली रिलेटेड टू हार्ट, है ना। आपने ये वर्ड सुना होगा कार्डियक अरेस्ट, है ना, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राम, राइट। तो कार्डियो जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है उसका मतलब क्या है, इट इज रिलेटेड टू हार्ट, है ना। जो आप जब फर्दर अगर बायोलॉजी आपके पास, तो उसमें भी आपने देखा होगा कार्डियक वर्ड बहुत आता है। तो कार्डियक वर्ड किससे रिलेटेड है, जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी जो पढ़ते हो तब उसमें आप देखोगे कार्डियक या फिर कार्डियो जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। अब इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो का मतलब क्या है, हार्ट, है ना। नाउ लॉजिस्ट, कोई भी वर्ड के पीछे लॉजिस्ट लगा है तो उसका मतलब है साइंस, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड के पीछे लॉजी लगा है उसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है। किसी वर्ड के पीछे क्या लगा है, इफ देयर इज, कार्डियो मीन्स वर्ड हार्ट और लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, साइंस। ऐसे कोई भी पर्सन हु स्टडीज द साइंस ऑफ व्हाट, हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप कब जाते हो, जब आपको हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज होती है, राइट। सो जो डॉक्टर होता है, हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, बिकॉज ही और शी इज क्वालिफाइड टू स्टडी द साइंस ऑफ व्हाट, हार्ट, है ना। तो कोई भी डॉक्टर, एनी पर्सन हु स्टडीज द साइंस ऑफ व्हाट, हार्ट, इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। आपने कई बार देखा होगा कि जो आपकी हार्ट बीट होती है ना, तो उसके लिए ग्राफ बनता है आपका, राइट। तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कार्डियोग्राफ, ठीक है, कार्डियोग्राफ। ग्राफ का सिंपल मतलब क्या होता है, आप लोग ग्राफ बनाते होंगे मैथ्स में, तो उसमें आप क्या करते हो, बेसिकली यू रिकॉर्ड ऑल द डेटा, है ना। मान लो कि मैं आपको बोलती हूँ कि एक ग्राफ बनाओ बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स हाइट, है ना, तो आप क्या करोगे, बार ग्राफ बना सकते हो, राइट, कि इस पर्टिकुलर पर्सन की इतनी हाइट है। आप एक अपना स्केल बनाओगे, एक्सेस एक्सेस बनाओगे, वाई एक्सेस बनाओगे, उस पे हाइट के अकॉर्डिंग सबके बार ग्राफ बनाते जाओगे। तो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर बेसिकली कलेक्टिंग द डेटा एंड देन यू आर रिप्रेजेंटिंग इट इन अ ग्राफिकल फॉर्म, है ना। तो ग्राफ का मतलब होता है आपका रिकॉर्ड,
व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग एनी डेटा, एंड कार्डियो इज रिलेटेड टू वर्ड अगेन हार्ट। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हार्ट बीट रिकॉर्ड करता है ना, आपने कभी इस तरीके से देखा होगा, इस तरीके से ग्राफ पेपर होता है, ठीक है, और उसमें ना इस तरीके से हार्ट बीट जैसे जैसे आई, एंड अगेन ये तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, बट आपने पढ़ा होगा कि ये पर्टिकुलर हार्ट बीट भी जो होती है, पी होती है, क्यू वी होती है, तो ये भी कुछ रिप्रेजेंट करती है हार्ट बीट का। ठीक है, ये दिस इज ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन, ऐसी नहीं होती है राइट, कि एक आपको आइडिया पता लग जाए कि भाई किस तरीके से कार्डियोग्राफ होता है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ, उसके लिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, ग्राफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है जब उसको कोई रिकॉर्ड आप प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज़ का, कोई एक रिकॉर्ड है और उसका आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, दैट इज़ योर ग्राफ। अब उसके आगे एक वर्ड लग गया विच इज वर्ड कार्डियो, तो कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट। कोई भी चीज जो है, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपकी हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राफ, राइट। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द हार्ट बीट, है ना। कभी भी अगर आपने वो करवाई होगी, ईसीजी रिपोर्ट भी कभी ली होगी, तो उसमें भी आप देखोगे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है ईसीजी रिपोर्ट के लिए, तो वो आपका क्या है, आपके हार्ट बीट को बता रहा है, राइट, कि किस तरीके से आपका हार्ट बीट कर रहा है। अब हार्ट का काम क्या है, ब्लड पम्प करना, ऑक्सीजनेटेड की बात करो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करो, है ना। तो कार्डियोग्राफ भी आपका क्या करता है, वो आपके हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है एक ग्राफ के फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वर्ड इज न्यूरो। न्यूरो, अब देखो न्यूरो आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, न्यूरो का मतलब क्या होता है, नर्व। न्यूरो की जब हम बात करते हैं, इट इज बेसिकली रेफरिंग टू नर्व, ठीक है। अब इससे आपने काफी वर्ड सुने होंगे, पहला जो अभी जैसे हमने वहां पे क्या डिस्कस किया, न्यूरोलॉजिस्ट सिमिलरली, सॉरी कार्डियोलॉजिस्ट, तो सिमिलरली ये क्या आ गया, न्यूरोलॉजिस्ट। अब देखो दोनों आपको वर्ड अगर आप ब्रेक डाउन करो, दोनों का आपको मतलब पता है, न्यूरो का मतलब क्या हो गया, नर्व, एंड व्हाट अबाउट लॉजिस्ट, साइंस, है ना। किसी भी वर्ड में अगर लॉजिस्ट लगा है, सो बेसिकली दैट इज रेफरिंग टू साइंस। किसी भी वर्ड में लॉजी लगा है तो वो उसकी स्टडी बता रहा है। जैसे हमने अभी इससे पहले एक वर्ड क्या था, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मतलब क्या बताया था, मैनकाइंड, लॉजी इज द स्टडी, एनी वन हु स्टडीज द ह्यूमन रेस और हु स्टडीज द मैनकाइंड, एवोल्यूशन हमारा किस तरीके से हुआ है या किस तरीके से ह्यूमन रेस जो है वो डेवलप की है या कैसे कैसे एडवांस हुई है, उसकी जो स्टडी कर रहा है वो एंथ्रोपोलॉजी होगी, है ना। लॉजी स्टैंड्स फॉर वट, स्टडी। किसी भी चीज की अगर आप स्टडी कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, दैट इज लॉजी, ठीक है। लॉजिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के पीछे का साइंस, है ना, कोई चीज कैसे फंक्शन करती है, लाइफ साइकिल उसकी क्या है, अडेप्टेशन क्या है, एनवायरमेंट में किस तरीके से वो काम कर रही है, वो सब किस में इंक्लूडेड है, साइंस में, राइट। सो द साइंस ऑफ व्हाट, नर्व। ऐसे कोई भी डॉक्टर या ऐसा कोई भी पर्सन हु डील्स विद द साइंस ऑफ द नर्व इज टर्म्ड एज न्यूरोलॉजिस्ट, है ना। आप बात करोगे ना कि आजकल आप कई बार देखते हो कि आपके बॉडी में पेन है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं आपके बोन में, नहीं मसल्स में है, या कई बार ऐसा होता है कि नहीं मसल्स में नहीं, आपकी ना नसें कोई दब गई हैं या फिर आपकी नसों में दिक्कत है, तो उसके बारे में आप तब आप किसके रेफर करोगे, देर यू विल रेफर टू न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। ऐसा कोई भी पर्सन जो जिसने क्या पढ़ा हो, नर्व की साइंस पढ़ी हो, राइट, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट। नाउ देयर इज अनदर वर्ड फॉर दिस, न्यूराइटिस। अच्छा एक चीज याद रखना, न्यूरो का मतलब तो हमें पता चल गया, अब यहां पे भी एक वर्ड है, सो दैट मींस नर्व। किसी भी वर्ड में अगर ITS लग जाए, ठीक है, या फिर RITS लग जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका मतलब होता है इन्फ्लेशन ऑफ समथिंग,
ठीक है, कोई भी चीज क्या है आपका, इन्फ्लेमेशन हुआ है। नाउ इन्फ्लेमेशन आपका काफी तरीके से हो सकता है, या तो इन्फ्लेम का बेसिकली आग से मतलब होता है, पर दूसरे टर्म में भी अगर हम बात करें, मेडिकल टर्म्स में अगर हम बात करें, तो इन्फ्लेमेशन किसी चीज का हुआ है मतलब आपके ब्लड वेसल्स या फिर आपके नर्व सिस्टम में क्या है, ब्लॉकेज है, या उसमें कोई आपको प्रॉब्लम है। तो कोई भी अगर आपको नर्वस सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, आपकी कोई भी नसों में अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, या फिर आपकी क्या है कि इट इज़ नॉट फंक्शनिंग करेक्टली, तब आप क्या वर्ड यूज करते हो, न्यूराइटिस। किसी के पीछे भी ITS लग जाए तो बेसिकली वो इन्फ्लेमेशन को करता है, ठीक है। आर्थराइटिस जैसे कि आप बोलते हो, तो आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या है, खुद के खिलाफ ही वो अपने सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, और वो हमारी बॉडी क्या करती है, इट स्टार्ट्स मेकिंग, हमारी बॉडी के खिलाफ वो क्या करने लग जाती है, रिएक्ट करने लगती है, मतलब हमारे खुद के सेल्स को वो डैमेज करना शुरू करती है, राइट, आर्थराइटिस में। तो क्या है, दैट इज अ इन्फ्लेमेशन, है ना। तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इन्फ्लेमेशन, राइट। द इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व इज टर्म्ड एज न्यूराइटिस, राइट। तो आज हमने कुछ और वर्ड डिस्कस किए, रूट वर्ड डिस्कस किए। ऑलवेज फोकस अपॉन द रूट वर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर वोकैबुलरी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, उसमें अगर आपको कोई भी एक वर्ड है उसमें लॉजिस्ट लग गया, आपको पता है लॉजिस्ट का मतलब साइंस है, अब उसके आगे क्या वर्ड है उस पर डिपेंड करेगा किस चीज की साइंस है, राइट। सिमिलरली आपको न्यूरो का मतलब पता है नर्व है, कार्डियो का मतलब पता है कि आप हार्ट से रिलेटेड है, राइट। ऑर्थो का मतलब है किसी चीज को स्ट्रेट करना। नाउ कोई भी वर्ड जो इस रूट वर्ड से बने हैं आप इजिली उसका मतलब निकाल सकते हो, राइट। तो आज हमने कुछ नए वोकैबुलरी पढ़ी, एंड मोर ओवर उसका ऑरिजिन कैसे हुआ है उस पर फोकस किया। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर लिविंग द सेशन, अगर आप दोनों ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योर सेल्फ। आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों ऑफिसर्स अकेडमी जो है आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी, एंड ऑल्सो वी विल गाइड यू हाउ टू क्रैक दोज एग्जामिनेशन। So this was all for today. Thank you and have a good day to you all.